हेलो बच्चों कैसे हैं आप देखो मैंने समुद्र से कितनी सारी सीपियाँ इकट्ठी की हैं और यहाँ देखो कितने सारे छाते अच्छा बच्चों बोलो जोड़ना मतलब जोड़ना मतलब संख्याओं को मिलाना और घटाना मतलब घटाने का अर्थ है कुछ संख्याओं को अलग निकाल देना अच्छा अब मुझे इन पतंगों को गिन कर दिखाओ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो बच्चों क्या तुम इसके आगे की संख्याओं को भी पहचानते हो यहाँ देखो इन्हें पहचानते हो तो साथ में गाओ दस 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 ग्यारह 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 बारह 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 र तेरह 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 चौदह 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 पंद्रह 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 सोलह 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 सत्रह सत्रह सत्रह, 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 अठारह 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 उन्नीस उन्नीस, उन्नीस 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 बीस 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 शाबाश और अब उल्टी गिनती बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक अच्छा बच्चों अब बताओ यहां कितनी बिंदिया हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस शाबाश यह है एक बिंदियों की पट्टी दस बिंदियों की पट्टी इसे हम कहेंगे दहाई दस यानी दहाई अच्छा अब बताओ क्या यहाँ सभी संख्याएँ सही हैं दस ग्यारह दस ग्यारह बारह दस ग्यारह बारह तेरह दस ग्यारह बारह तेरह चौदह दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह दस ग्यारह बार चौदह पंद्रह सोलह दस ग्यारह बार तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह दस ग्यारह बार तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अरे वाह बीस अब हमारे पास हैं दो दहाइयाँ यानी दस तो दस बिंदियों की दो पट्टिया यानी दो दहाइया वाह हमने गिनी बीस बिंदिया यानी दो दहाइया देखो बच्चों रिंकू यहाँ तीलियों से दहाइया बना रहा है उसके पास बहुत सी तीलियां हैं उसने दस तीलियां गिनी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और उन्हें एक साथ बांध दिया धागे से और देखो बन गई एक दहाई वाह दहाई यानी दस तो यहाँ हमने देखी तीलियों की दहाई यानी दस तीलिया अरे यहाँ गुनगुन क्या कर रही है वह तो धागे में मोती पिरो रही है अरे इतने सारे लाल मोती ये कितने सुंदर और चमकीले हैं गुनगुन ने लाल मोतियों को धागे में पिरोया और धागे के दोनों किनारों को बांध दिया आओ देखें उसने कितने मोती पिरोए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस उसने दस मोती पिरोए अरे वाह दस मतलब दहाई तो उसने मोतियों से एक दहाई बनाई है तो यह बनी लाल चमकीले मोतियों की दहाई गुनगुन -गुन कितना मजेदार काम कर रही है मुझे भी दहाइया बनानी है क्या आपको भी बनानी है हम किन चीजों की दहाइया बनाएं? आओ कुछ ढूंढें। देखो बच्चों यहाँ कुछ लकड़ियां हैं यहाँ कितनी लकड़िया हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये दस ही हैं। देखो इन्हें बांधकर यह बंडल बनाया गया है तो यह बन गई दस लकड़ियों की एक दहाई और यहाँ है कुछ चेरीज क्या यह सब भी मिलकर एक दहाई बनाएंगी आओ इनके बंडल को गिने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस वाह हमें मिली एक चेरीज की दहाई। अब जरा इन तीलियों को गिनो ओह यह भी दस है तो देखो हमारे पास भी है तीलियों की एक दहाई दहाई यानी दस देखो यहाँ है कुछ केले क्या यह भी दस ही है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हाँ तो यह बन गया दस केलों का बंडल इसे हम कहेंगे एक और दहाई अब तो हम भी जरूर दहाइया बनाएंगे यहां देखो यहाँ कितने सारे शलगम हैं क्यों ना दस शलगमों को गिनकर उनकी दहाई बनाएं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यह बन गया दस शलगमों का एक समूह यानी एक दहाई अभी भी कुछ शलगम बाकी रह गए हैं आओ गिने एक दो तो, तीन चार यहां चार शलगम रह गए हैं एक दहाई अलग करने पर भी चार शलगम बचे हैं तो कुल कितने शलगम थे दहाई यानी दस जमा चार तो यह हुए चौदह शलगम तो चलो अब इन आइसक्रीम्स को गिने एक दो तो, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस आइसक्रीम्स पर गोला लगाया जाए तो अब यह बन गई एक और दहाई तो बच्चों अब बताओ क्या यहां भी कुछ आइसक्रीम्स बाकी रह गई हैं आओ गिने एक, दो हाँ यहां दो आइसक्रीम्स बची हैं तो इसका मतलब है यहां कुल बारह आइसक्रीम्स थी दस ग्यारह बारह शलगमों से कुछ कम हैं। आओ अब इन मर्तबानों को गिने दस का समूह बनाने से तो गिनती भी आसान हो जाती है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस गोला लगाया जाए तो यह हुई एक दहाई और इसके बाद ग्यारह बारह तेरह तो यहाँ तेरह मर्तबान है आइसक्रीम से ज्यादा मगर शलगमों से कम तो ठीक है बच्चों, इन पत्तों और टॉफियों की दहाईयां तुम खुद बनाओ देखो देखो बच्चों यहाँ तिलियों के कितने सारे बंडल दिख रहे हैं और बहुत सी तीलियां भी हैं क्या तुम बता सकते हो एक बंडल में कितनी तीलियां होंगी दस होनी चाहिए देखो यहाँ कुछ संख्याएं भी लिखी हैं जबकि कुछ स्थान खाली हैं आओ ध्यान से देखें कि यहाँ हो क्या रहा है नौ जमा एक बराबर है दस जमा का चिन्ह यानी जोड़ना अच्छा तो यहाँ नौ तीलियों में एक तीली जोड़ी गई है तो हमें प्राप्त हुआ दस और इन दस तीलियों का एक बंडल बना दिया गया है यह बन गई दहाई अरे वाह तीलियों की एक और दहाई चलो आगे देखें क्या है एक दहाई और एक और तीली तो इसका मतलब हुआ दस जमा एक यह होगा ग्यारह यहाँ खाली गोला है तो हमें यहां लिखना चाहिए ग्यारह आगे एक दहाई जमा दो तीलियां हैं तो दस जमा दो हुआ बारह अकेली तीलियों को हम कह सकते हैं इकाइया तो एक दहाई और दो इकाइया बराबर है बारह फिर एक दहाई जमा तीन इकाइया तो यह हुआ तेरह अच्छा तो यहां क्रम से सभी संख्याएं बनाई गई हैं। यह तो आसान और मजेदार है देखो यहां चार तीलियों का चित्र नहीं है क्यों ना इसे बनाया जाए मजा आएगा तो एक दहाई जमा चार इकाई बराबर है चौदह एक दहाई जमा पांच इकाई यह होगा पंद्रह एक दहाई जमा छह इकाइया सोलह हमें गोले में लिखना भी होगा फिर एक दहाई जमा सात इकाइया बराबर है सतारा। एक दहाई जमा आठ इकाइया बराबर है अठारह एक दहाई जमा नौ इकाइया हुआ उन्नीस एक दहाई जमा दस इकाइया बराबर है बीस देखो बीस तीलियों से बन गई दो दहाइया दो एक सी दहाइया दस इकाइयों ने मिलकर एक और दहाई बना दी बच्चों तुमने देखा दहाइयों व इकाइयों को गिनकर यदि आमने सामने लिख दिया जाए तो वही संख्या बन जाती है आओ करके देखें। यहां दो खाने हैं दाई ओर के खाने के ऊपर क्या बना है एक तीली यानी इकाइया और बाई ओर के खाने के ऊपर दस तीलियों का बंडल यानी दहाइया तो हम इकाइयों के नीचे इकाइया व दहाइयों के नीचे दहाइया लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या संख्या बनी पहले चित्र में थी एक दहाई और तीन इकाइया तो देखो और बताओ क्या संख्या बनी एक तीन तेरह आप इसे पहचानते हो चलो इन लालटेनों को गिनें यह हुई एक दहाई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और बाकी रह गई पांच इकाइया तो एक और पांच तो पहचानो क्या संख्या बनी यह बनी पंद्रह शाबाश शाबाश बच्चों अब आगे की संख्याएं तुम स्वयं बनाओ अच्छा यहाँ देखो यहाँ कुछ सांप हैं तो गिनो और दस का समूह बनाओ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यह बन गई एक दहाई तो बताओ बाकी कितने सांप रह गए एक भी नहीं तो हम दहाइयों में लिखेंगे एक और इकाइयों में क्या कुछ भी ना लिखें? नहीं कुछ तो लिखना होगा कोई इकाई ना बचने का अर्थ है शून्य इकाइया तो हम लिखेंगे शून्य ऐसे तो संख्या पहचानो एक और शून्य यह बना दस शाबाश शून्य एक मजेदार अंक है कुछ ना होकर भी कितना जरूरी है चलो फिर से वही गाना गाएं और इस तालिका को पूरा करें ग्यारह 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 बारह 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 तेरह 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 चौदह, चौदह 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 पंद्रह 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 सोलह 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 सत्रह, 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 अठारह, 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 उन्नीस 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 बीस 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 वाह तुमने बढ़िया गाना गाया अब सब अपने लिए जोर से तालियां बजाओ जोर से शाबाश देखो बच्चों यहाँ दोनों ओर एक जैसे चित्र हैं क्या तुम बता सकते हो किस ओर की वस्तुएं अधिक हैं दहाइया बनाकर अलग करो फिर बची हुई इकाइयों को गिनो और बताओ तो बाई ओर हैं एक दहाई और चार यानी चौदह मटके और दाई ओर हैं एक दहाई और तीन यह हुई तेरा चौदाह और तेरह तो बताओ कौन सी बड़ी है चौदह इसी ओर के मटके अधिक हैं। अब इन पत्तों के समूह बनाओ बाई ओर दस व चार यानी चौदह और दाई ओर सोलह तो बताओ कौन सी बड़ी हुई हम्म hmm, दाई और पत्ते अधिक हैं। सोलह बड़ी संख्या है तो चलो आगे के चित्रों में भी संख्या को पहचानो तो बच्चों यदि मैं कुछ संख्याएं क्रम से लिखूं और बीच में से कुछ संख्याएं ना लिखूं तो क्या तुम पहचान लोगे उन बची हुई संख्याओं को आओ देखें। दस स्थान बारह तो दस के आगे क्या होगा दस ग्यारह बारह वाह ये सही था आओ और अभ्यास करें सोलह खालिस्तान अठारह हाँ तो उत्तर है सोलह सत्रह अठारह तो चलो बच्चों मुझे एक बार फिर से गिनती सुनाओ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और अब बीस से एक बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक अब बताओ दस बड़ा या दो सीधी गिनती गिनते हुए जो पहले आए वह छोटा है और जो बाद में आए वह बड़ा तो चलो बड़ी संख्या को पहचानो ग्यारह और तेरह तो बड़ी संख्या है तेरह तेरह और पंद्रह तो बड़ी संख्या होगी पंद्रह तो अब बाकी की बड़ी संख्याएं स्वयं पहचानो और घेरा बनाओ तुम बिंदियां बनाकर या तीलियां बनाकर भी बड़ी संख्या ढूंढ सकते हो यहां तुम्हें छोटी संख्या को घेरा लगाना है हमें याद है जो पहले आए वह छोटी संख्या तो यह काम भी आप स्वयं कर सकते हो यहां देखो बच्चों यहां कितनी संख्याएं एक साथ लिखी गई हैं तीन संख्याएं हमें तीनों में से सबसे बड़ी पहचाननी है आओ देखें तेरह तीन और नौ तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तेरह तीन या नौ तेरह ही सबसे बड़ी है बारह पंद्रह और बीस तो सबसे बड़ी होगी बीस दो याद है ना शाबाश इन्हें पहचानने में तुम्हें बहुत मजा आएगा तो करके देखो यहां है सात दो और चार और दो पर घेरा बना है तो आप समझ गए ना यहां क्या करना है यहां सबसे छोटी संख्या को घेरा लगाना है देखो चौदह सोलह और बारह तो सबसे छोटी होगी बारह बिल्कुल सही देखो बच्चों इतने सारे आम ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो आम तोड़ रहे हैं और फिर आमों को एक टोकरी में इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे ये बच्चे अपने तोड़े हुए आमों को गिन भी रहे हैं तो चलो इनकी मदद करें तो बताओ चार जमा पांच क्या होगा गिनो गिनो। हाँ, यह नौ होगा। तुम गिनने के लिए तीलियों का प्रयोग भी कर सकते हो और शून्य जमा तीन यह तीन ही होगा शून्य में कुछ जोड़ने से संख्या उतनी ही रहती है देखो बच्चों शायद उनके आमों की संख्या बढ़ती जा रही है यहां उन्हें जोड़ना था आठ और छह तो जानते हो इन बच्चों ने जोड़ कैसे किया मैं बताऊं दहाइया बनाकर बिल्कुल हमारी तरह चलो हम भी करके देखें पहले तिलियां बनाते हैं आठ के लिए आठ तिलियां और छह के लिए छह तिलियां अब दस तिलियों की दहाई बना दो और बाकी बची चार तिलियां तो संख्या बनी दस जमा चार बराबर चौदाह आगे है आठ जमा सात तो आठ तीलियां फिर सात तीलियां और दहाई को अलग करने पर बची पांच तीलियां तो दस जमा पांच बराबर है पंद्रह तीलियां है ना मजेदार अब यहां देखो बच्चों बारह जमा पांच यहां बारह के सामने क्या बना है एक बंडल और दो तीलियां समझ गए ना एक दहाई और दो और नीचे बनी है पांच इकाइया तो जोड़ दो और बताओ अब कितनी हो गई दो जमा पांच बराबर है सात इकाइया और दहाइया अब भी एक ही हैं एक और सात लिखने पर मिला सत्रह तो हमारा उत्तर है सत्रह आओ एक बार फिर से करें ग्यारह जमा पांच ग्यारह के लिए बनाएंगे एक दहाई और एक इकाई और पांच के लिए पांच इकाइया तो अब बताओ कितनी इकाइया हो गई एक जमा पांच बराबर है छह इकाइया और दहाई वह तो एक ही है एक और छह यह बना सोलह तो उत्तर होगा सोलह क्या बाकी के प्रश्न आप स्वयं करना चाहोगे जरूर करो अच्छा बच्चों राहुल के पास आठ पेंसिलें हैं सोनू के पास सात पेंसिलें हैं उन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं तो बताओ कुल पेंसिलें बताने के लिए हमें क्या करना होगा इनका जोड़ या घटाव कुल के लिए जोड़ना होगा तो जोड़ दो फटाफट अच्छा अब अगला सवाल फरीदा ने चार सेब तोड़े सीता ने छह सेब तोड़े दोनों ने सेबों को एक साथ मिला दिया अब कुल कितने सेब हुए तो बताओ कैसे करें उन्होंने सेबों को मिला दिया हम जानते हैं एक साथ मिलाना यानी जोड़ना तो हमें जोड़ से ही उत्तर प्राप्त होगा और अब यहाँ कुछ घटाव के सवाल हैं। शायद कुछ संख्याओं को अलग निकाला जा रहा है हाँ सात माइनस चार तो यह होगा तीन तुम बिंदु या तीलियों की सहायता से भी कर सकते हो सात तीलियों में से चार तीलियां काट देने पर बची तीन तीलियां यहाँ इस डिब्बे में केलों का एक बंडल है उसमें कितने केले होंगे सही समझे दस ही हैं यह एक दहाई है और इसके साथ सात केले और हैं यानी सात इकाइया सत्रह के लिए नीचे लिखा है माइनस पांच तो पांच इकाइया घटा दी जाए तो बची दो इकाइया एक दहाई तो एक दो तो संख्या बनी बारह तो अब पंद्रह में से चार घटाओ पांच इकाइयों में से चार इकाइया घटी तो बची एक इकाई और एक दहाई तो बना ग्यारह शाबाश तो अब बचे हुए सवाल कौन करेगा हाँ शाबाश तो फटाफट से कर दो अब कुछ और प्रश्न सोहन की माताजी बाजार से नौ केले लाई उन्होंने चार केले सोहन को दे दिए उनके पास कितने केले शेष रह गए तो बताओ क्या करें कुछ केले दे दिए का अर्थ है कुछ संख्याएं अलग निकाल देना यानी घटाना तो हमें उत्तर घटाव से प्राप्त होगा वह तो आप आसानी से कर सकते हो अब बताओ रहीम के पास आठ फूल थे उसने तीन फूलों को फूलदान में रख दिया। तो उसके पास कितने फूल शेष रहे फूलदान में रख दिया मतलब अलग निकाल दिया संख्याओं को अलग निकालना मतलब घटाना तो हमें फिर से घटाव करना होगा यह आसान है तो बच्चों इन सभी सवालों को अभी हल करो और जोड़ व घटा का खूब अभ्यास करो यहां इसके लिए खूब सारे सवाल हैं अब पहचानो सही या गलत एक दहाई बराबर दस सही या गलत बिल्कुल सही दो दहाइया बराबर बीस सही या गलत यह भी सही है दस जमा सात बराबर है सतारा सही या गलत बिल्कुल सही दस जमा नौ बराबर है अठारह सही या गलत ओह ये गलत है दस जमा नौ बराबर है उन्नीस अच्छा अब बताओ पंद्रह के बाद क्या आता है सोलह चौदह या दस सोलह और बीस से पहले क्या आता है दस उन्नीस या इक्कीस उन्नीस शाबाश बच्चों तो यह थी दस से बीस तक की संख्याएं इनसे खूब खेलो और मजे करो हम अब मिलेंगे अगले पाठ में धन्यवाद